वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इस टॉपिक, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, ऐसा क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? आपके पर्सन आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, अच्छी देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों आपको फेस नहीं कर रहे, ये पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहा है? कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइम सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। वहाँ आपको जब बेल आइकन प्रेस होगा तो आपको जैसी रीडिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो चाहते हैं जिनको रीडिंग प्रॉपर टाइम पे मिले तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्रिप्शन बटन के साथ। ठीक है, ओके। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। इसका लिंक आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, पिका कार्ड भी होते हैं, बहुत मतलब कि वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है। यहाँ पर एक डिटेल और आपको डिटेल रीडिंग्स मिल सकती हैं, और मतलब कि आपको बहुत डिटेल कंटेंट यहाँ मिलेगा, और वहाँ पर आपको क्विक एनर्जी, ठीक है, क्विक क्लैरिटी के लिए वो चैनल है। ठीक है, ओके। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पर्सन आपके माइंड में है, इमेजिन करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है। ठीक है, आपके पर्सन इग्नोर आपको इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो और आपके पर्सन की ध्यान कहीं और है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और हो सकता है जिसको आपके पर्सन आपके साथ साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग की स्टैगनेंट एनर्जी है बहुत टाइम से, या तो आप लोग स्टैगनेंट हैं, ये सिचुएशन स्टक हुई हुई। आपके पर्सन की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं मैरिज को लेकर, दो सिचुएशन पे आपके पर्सन का ध्यान है। ठीक है, दो फीमेल्स या दो मेल्स की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन का फोकस अभी किसी और पर्सन पर है, किसी और सिचुएशन पे, और आपके साथ एक स्टकनेस चल रही है और आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के, अपनी शिप्स अराइव होने का इंतजार कर रहे हैं, आप इससे कांटेक्ट में आने का वेट कर रहे हैं, या आप इससे मतलब के ये कोई डिसीजन करे आपके लिए या डिसीजन ले, ये आपकी तरफ कोई स्टेप ले, आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस पर्सन की लाइफ में कहीं और है, आपको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, इसका फोकस कहीं और है, किसी और सिचुएशन पे है, आपसे कनेक्ट करता है जब जब इस पर्सन की लाइफ में या तो कुछ नहीं चल रहा होता या पर्सन ये पर्सन अकेला होता, उस वक्त कनेक्ट करता है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ओके, ये पर्सन सबसे पहले तो एक इमोशनल लॉस, ठीक है, इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्टर्ब, इमोशनली स्ट्रेस आउट हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब है ये इंसान। क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पर, ये किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड जैसे कि बहुत ज्यादा एक ईगो क्लैशेस या कोई बैटल है इस इंसान की उसके साथ। ठीक है, किसी तरीके की क्लैशेस हैं, किसी तरीके की बैटल है यहाँ पर। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स काफी चार्मिंग और एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो बार बार इसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये पर्सन आपको इग्नोर किसी और की वजह से नहीं कर रहा, किसी ईगो बैटल में अटका हुआ है या कोई किसी ऐसे कनेक्शन में, किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटका हुआ है जहाँ ईगो बैटल है, जहाँ एक मतलब कि तुमसे बेहतर मैं और तुमसे बेहतर मैं की जंग है, या तो इसका ध्यान भी कहीं ना कहीं वहीं पर रहता है और अपने माइंडसेट को लेकर आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे या सिचुएशन खत्म होगी, आप काफी अपसेट और एक डाउन फीलिंग्स में। ठीक है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ, आप यहाँ पर चेंज चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप तो यार सिचुएशन को कम्प्लीटली खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, यार तो ये सिचुएशन कम्प्लीटली खत्म हो जाए, आप इस वेटिंग एनर्जी से, इनडिसाइसिवनेस से, कभी ये पर्सन आपसे बात कर रहा है, कभी वहां जा रहा है, आप इस चीज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं आपको फेस टू फेस क्लैरिटी मिले, आप फेस टू फेस जिससे क्या होता है ना, एक डेस्टिनी आपको क्लैरिटी दे, एक डेस्टाइन जो चीजें हैं वो आपको क्लियर मिले।
आप इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है, आपके माइंड में मैरिज और कमिटमेंट है, आप इस पर्सन को मैरिज और कमिटमेंट सोचते हैं, लेकिन वो काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप सोचते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वे में वो हो नहीं रहा। आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, आपको इस पर्सन की इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप 2 ऑफ कप्स चाहते हैं इससे, लेकिन काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी, जो चेंज चाहते हैं, जिस तरीके का चेंज चाहते हैं उस तरीके का आपको सृष्टि में दिख नहीं रहा। एक डेड एंड की एनर्जी, आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप काफी खुद को स्टेबल ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इनर सेल्फ आपका इमोशनल लॉस्ट है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं। आपको पता है वो पर्सन कहीं और है, किसी और के साथ बिजी है, किसी और को टाइम देता है, किसी और के पास इन्वेस्ट करता है, कोई और इंसान उसकी लाइफ में, और आप एक वेट, इमोशनल लॉस, डिस्टर्ब एनर्जी। लेकिन आपकी जो एक आउटर लेयर है, जो आप एक आपका एक आपकी एक जिस तरीके से आपकी इमेज बनी हुई, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल या स्ट्रॉन्ग मेल की तरह आप हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशन की वजह से, आपको जैसे कि जिंदगी की रियलिटीज का पता चल रहा है। शायद आप पहले कभी ऐसे इस तरीके की वेट नहीं कराए, या इस तरीके के कनेक्शन भी नहीं पड़े कि आपको कोई लीस्ट प्रायोरिटी दे, या आपको कोई बहुत ज्यादा वो वैल्यू ना दे, ठीक है। आपको हमेशा लगता था कि आप जहाँ जाते हैं या आप जिस जगह भी जाएंगे, आपको वो इंसान आपको अंडरस्टैंड करेगा ही करेगा, ठीक है। आपको इतना आपका कॉन्फिडेंस ये इंसान तोड़ रहा है, आपका इस तरीके के वाला कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहा है ये इंसान, ठीक है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में, इसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब और हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन आपका एक जो एक जो एक सेल्फ है, काफी स्ट्रांगली आप उसको एक्ट कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली एक्शन ले रहे हैं, आप स्ट्रांग बने हुए हैं, आप स्ट्रांग मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ईगो बैटल है यहाँ पर, ईगो बैटल है इस पर्सन की, शायद जिस कनेक्शन में कनेक्ट है वहां ईगो बैटल है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस वाली एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इमोशनल डिस्टेंस, कंफ्यूजन और ब्लॉकिंग एनर्जी। 2-2 की एनर्जी है, समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि एक डिसीजन लेने के लिए भी यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए, ठीक है। आप लोग का रिश्ता स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, आप काफी अपसेट हैं इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपको एक रियलिटी मिल रही है, आपको रियलिटी दिखाई जा रही है कि ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों इग्नोर कर रहा है। ओके, स्टेबल माइंडसेट, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं और इसी चीज का वेट कर रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। लेकिन आप आपकी ये पर्सन एक नर्वसनेस है, आपकी लाइफ में वैसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप काफी नर्वस हैं, आपको आपको समझ में नहीं आता आप क्या चूज करें, या आप क्या अपनी लाइफ में किस चीज को चूज करके आगे बढ़े, ठीक है। किस चीज के लिए आप, एक 2 ऑफ कप्स चाहिए, आपको बैलेंस पर्सन चाहिए, बैलेंस पार्टनर चाहिए, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, आपको वो इंसान चाहिए, आपको वो डायलेमा, वो कंफ्यूजन, वो नेगेटिव एनर्जी, आपको स्ट्रेस, आपको सफर नहीं करना, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपका माइंड जो है वो स्टेबल माइंडसेट है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप मैरिज को अप्रोच करना चाहते हैं, आपके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे क्विक क्यों ना हो। क्लैरिफाई फोर ऑफेंस, आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक जजमेंट एनर्जी है, यहाँ पर कुछ जजमेंटल, यहाँ पर एक जजमेंट एनर्जी है। आप इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी सोच रहे थे, ठीक है, जब आप कनेक्ट हुए थे, जब आप लोग का रिलेशनशिप या जब आप लोग की कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी, तो आप बहुत होपफुल थे यहाँ पर आपको एक कमिटमेंट मैरिज मिलेगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी, आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, क्योंकि आपकी जो चाहत थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। आप कहीं ना कहीं जानते ही पर्सन कहाँ बिजी है, कहाँ अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर रहा है। आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप क्लोज ऑफ हुए हैं इस पर्सन की तरफ से, लेकिन बस आपको इस चीज का एक एक अंदर से, आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, या तो अपने आप, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान से ही प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है। आपके लिए आपकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर चलना चाहेंगे, प्रोटेक्ट कर रखना चाहेंगे इस रिश्ते में। राइट नाउ ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है ये इंसान, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। पेजेस की एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ये पर्सन आपसे बात तो करेगा लेकिन मतलब लाइट एनर्जी में, अगर बहुत कुछ आप स्टेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत फास्ट एक्शन नहीं है या फास्ट मूवमेंट नहीं है, ये किसी पास साइकिल में स्टक हुआ हुआ है, पास सिचुएशन में स्टक हुआ हुआ है इंसान, ठीक है। बातचीत हो सकती है लेकिन एक पेजेस, ठीक है, पेज बहुत माइनर माइनर एनर्जी है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। राइट नाउ ये पर्सन कंफ्यूज है, डालमा में है, ठीक है, कंफ्यूज एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट है,
यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, किसी किसी का इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, मतलब कंफ्यूज माइंडसेट में है ये इंसान, ये समझ नहीं पा रहा क्या करे। लेकिन एक जैसे कि कुछ फेस कार्मिक साइकिल या कुछ फेस कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ फेस को इसको कंप्लीट करना पड़ेगा या कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, चॉइसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। इनडिसाइजिव एनर्जी में है, ये आपसे बात तो करेगा लेकिन इनडिसाइजिवनेस से आपको लेकर भी कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर मैं बात कर रही हूँ। इमोशंस हैं आपको, आपको मैरिज मटेरियल देखता है, आपको फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आपके लिए इमोशंस होल्ड करता है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपका वेल विशर है, लेकिन ये आपको कुछ अभी डिसीजन मेकिंग नहीं दे पा रहा, आपके लिए बुरा नहीं सोचता, या आपको लेकर इसके माइंड में कोई गलत ख्यालात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपनी पास्ट बैटल से कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाया, पास्ट बैटल से निकल नहीं पाया, काफी वहाँ पर ईगो ईगो क्लैशेस या ईगो बैटल है वहाँ पर इस पर्सन की, काफी ब्रोकन है, और बहुत सी चीजें डे ड्रीम करना, वो चीजें बहुत कंफ्यूज माइंडसेट है, इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत है, कंफ्यूज माइंडसेट है, क्रॉस रोड पे है एक, मतलब किसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है, लेकिन इसकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, जैसे डेस्टिनी कुछ बदल रही है, डेस्टिनी कुछ चेंज कर रही है, जो बहुत टाइम से स्टैगनेंट सी थी इसकी लाइफ में, स्टैगनेंट एनर्जी में चल रहा था, कुछ चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, शायद आपको लग रहा होगा चेंज नहीं आ रहा, रिपीटेड वे में इसी तरीके से साइकिल चल रही है, इंसान भी समझ नहीं पा रहा होगा, ये आपको कुछ दे नहीं पा रहा, आपके लिए इमोशनल जरूर है, आपके लिए स्टेबल जरूर है, लेकिन आपको कुछ दे नहीं पा रहा क्योंकि इनडिसाइजिवनेस की वजह से। हाँ, बात करने की बात आएगी, आपसे बात कर लेगा, बात करने का कोई इशू नहीं है, ठीक है, बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप डिसीजन मांगेंगे तो इसको कुछ नहीं पता इसको आपको क्या देना है, और आप इसकी लाइफ में हैं या ये आपकी लाइफ में है तो क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का कोई रीजन नहीं पता, ये आपको एज अ फ्रेंड भी बोल सकता है, ठीक है, ओके। होल्ड किया हुआ इसने अभी सिचुएशन को आपके साथ, बहुत रिलीज नहीं कर रहा है, मैं इतना आपको बता दूं, बस एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज फेयरफुल फील कर रहा है, लेकिन होल्ड किया हुआ है, इसमें आपको कम्प्लीटली रिलीज नहीं करा, कम्प्लीटली आपकी कोशिश कर रहा है कि आपसे शायद बाहर आ जाए, या तो आपकी तरफ ये कहीं मतलब कि आपसे कम्प्लीटली निकल जाए या कम्प्लीटली बाहर आ जाए, इसने कोशिश जरूर की है, ठीक है, आपसे बाहर निकलने की, लेकिन आपको रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में कहीं और भी कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं और भी कुछ स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चार फाइव फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है सेवन ऑफ फैंस, ठीक है, सेवन सेवन की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स। इस पर्सन को डिसाइड करना है इसको कहाँ वर्क करना है, किस जगह वर्क करना है, किस जगह न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है, उसको बैलेंस कहाँ करना है, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये आपको इग्नोर थर्ड पार्टी की वजह से कर रहा है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, कोई पास्ट कार्मिक साइकिल है, कोई पास्ट कर्मा है, यहाँ पे हमने मतलब के व्हील ऑफ फॉर्चून की भी देखा था, कुछ पास्ट रिलेटेड कोई पास्ट पर्सन इसकी लाइफ में एंटर किया हुआ, या पास्ट का कोई कार्मिक चैप्टर्स का क्लोज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर इस पर्सन को चूज करना है, या फिर थर्ड सिचुएशन में से किसी एक जगह बैलेंस कर सकता है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, और मेंटली ये पर्सन एक अपने आप से एक इनर फाइट है इसकी, ये क्या करे, आपको कंप्लीटली रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि इसको नहीं पता वहां पर क्या बनेगा, ठीक है, इसको एक जगह वर्क करना पड़ेगा, इसको एक जगह स्टेबल होना पड़ेगा, एक मतलब के डेलीकेटेड एक जगह होना पड़ेगा, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसको खुद चूज करना है, इसका एक मेंटल फाइट, एक मेंटल आर्ग्यूमेंट चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसके इनर सेल्फ में, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग ओवरथिंकिंग चल रही है, चीजों को सोच रहा है कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है, ओके, इस पर्सन की लाइफ में क्या हो क्या रहा है इस वक्त, राइट नाउ ये पर्सन अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, किस तरीके के एक्शन, किस तरीके के मूवमेंट, किस तरह ये पर्सन एक्शन ले रहा है अपनी लाइफ में, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, आपको तो लग रहा है ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ये पर्सन अपनी अपनी लाइफ में कहीं और ही बिजी है, कहीं और ही कनेक्टेड है, कहीं और ही अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इसके साथ आपका एक एंड हो चुका है, डेड एंड, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका जो ये ड्रीम था आप इसलिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अगर ये स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, अगर आके अदरवाइज आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इसके इस इंसान से, आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके हैं इस इंसान की वजह से, ये बहुत टाइम का नहीं हो, 4 मंथ का हो ये कनेक्शन, 1 ईयर का हो, लेकिन ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है, ठीक है, अभी इस वक्त देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। टावर, ओके, टावर, इल्यूजन,
ये आपको इसलिए रिलीज नहीं कर रहा है, इसको नहीं पता जहाँ है ये वहां पे कुछ होना है या नहीं होना है। वो ऑलरेडी एक डिस्टर्ब साइकिल है, वो ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ की, ठीक है। एक स्ट्रेस देखा है इसने बहुत सारा वहां पर, बहुत वर्क भी करा है, बहुत काम भी करा है, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं है। जब जब इसने वहां पर एफर्ट करा है या जब जब इसने उस रिश्ते में उस सिचुएशन में काम करा है, इसको वहां से कुछ मिला नहीं है। स्ट्रेस के अलावा, इल्यूजन के अलावा, इमोशनल नर्वसनेस और कंफ्यूजन के अलावा, एक टावर मतलब के ये अपनी लाइफ में एक शॉकिंग रियलिटी या शॉकिंग रियलाइजेशन या शॉकिंग चीज़ों को फेस कर रहा है इस वक्त। एक फेयरफुल है, इसको नहीं पता, स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, फिर भी वर्क कर रहा है। एक जैसे कि लास्ट टाइम ये पर्सन उस चीज़ को बनाना चाह रहा है, उस पास साइकिल पे वर्क कर रहा है, पास सिचुएशन पे वर्क कर रहा है कि शायद वो सिचुएशन दोबारा बन जाए या सिचुएशन वो दोबारा चल पड़े, ठीक है, उससे कुछ हो सके। उस कनेक्शन में फाइट कर रहा है, उस रिश्ते के लिए, उस कनेक्शन के लिए इस वक्त, और मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ। लेकिन बहुत ज्यादा डाउट है इसके अंदर, इसको नहीं पता वो कनेक्शन इसकी विश हो सकता है, वो सिचुएशन इसकी विश रही हो, ठीक है। डाउट्स हैं इसकी लाइफ में, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। एक डाउट कर रहा है ये पर्सन, एफर्ट तो कर रहा है लेकिन एक डाउट से, रिजल्ट देखने का वेट कर रहा है लेकिन डाउट से, इसको नहीं पता वहां पर क्या बनेगा, क्या वहां पर बैलेंस आएगा, वहां पर स्टेबिलिटी आएगी या वहां पर ये कुछ और फील कर पाएगा उस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक साइकिल है उस कनेक्शन में, कुछ कर्मा है, कुछ कर्मा चल रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस उस कनेक्शन का, एक इमोशनल स्ट्रेस बहुत है इसके अंदर। एक मतलब के एनी टाइम बहुत ज्यादा एक किसी ट्रॉमा से गुजरते रहना, एक टावर मोमेंट से गुजरते रहना, एक टॉक्सिसिटी से गुजरते रहना, ठीक है। ये अपने सेल्फ को बिल्ड करना चाहता है, उस साइकिल को दोबारा देख रहा है ये पर्सन। ओके, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई टावर, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है, करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई टावर। कंफ्यूजन चल रही है, टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हाँ और ना में जिगल कर रहा है, ठीक है, उस रिश्ते को लेकर वहां पे इक्वल गिव एंड टेक करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से पर्सन बहुत स्ट्रेस, बहुत सारा नाइट ड्रीम्स और स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस और एक टॉक्सिसिटी देख चुका है, ठीक है। इसने इसको पता है कि उसका ट्रुथ क्या है, उस पूरी सिचुएशन का उसको फेस करके आ चुका है, मतलब कुछ कर्मा है वहां पर, कर्मा रिलीज होना है, ठीक है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द मून। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है डिसीजन मेकिंग को लेकर, कुछ डिसाइड को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब के ये फिक्स टावर मूवमेंट, मतलब के सृष्टि में बहुत कुछ हो चुका है, जिस भी कनेक्शन में है उसको लेकर मुझे श्योर नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेस है इसके ऊपर मैरिज का, कमिटमेंट का, अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट का सोचता है तो बहुत स्ट्रेस की एनर्जी है। इसको एक खास क्लैरिटी नहीं है, होल्ड किया हुआ, बहुत कंफ्यूज है, श्योर नहीं है उस कनेक्शन की या उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए या वहाँ पर एक मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल देने के लिए। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, स्टॉक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन कहीं और ही इन्वॉल्व है, किसी टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक साइकिल इसकी लाइफ में चल रही है इस वक्त, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉकिंग के जरिए या वहाँ पे क्या चल रहा है, एक स्टॉकिंग के जरिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट पे ऑनलाइन रहना या इंटरनेट पर बहुत ज्यादा स्टॉक एंड सर्च करना। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, ओके, प्रोटेक्टिव है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है उस सिचुएशन से, प्रोटेक्ट कर रहा है उस इंसान से, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो इंसान इसकी लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहता है या न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन प्रोटेक्टिव है, वुंडेड है ये पर्सन, ऑलरेडी वुंडेड हो चुका है उस रिश्ते को लेकर, उस पूरी सिचुएशन को लेकर। क्लैरिफाई सेवन ऑफ वेंट्स यहाँ पे है, फाइव ऑफ वेंट्स, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचे, बहुत ज्यादा सोच विचार है उस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। डार्क एनर्जीज, बहुत ज्यादा सोचना, वेट करना, वेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा रही है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से घबरा रहा है वहां पर, ऐसा हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, इर्द गिर्द के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लोग इन्वॉल्व है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स भी उसकी वजह से के कुछ नेगेटिव हो सकता है। इमोशनली कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से डिटैच हो चुका है इमोशनली, इस पर्सन के अंदर कुछ खास उस सिचुएशन को लेकर बचा नहीं है, कोल्ड हो चुका है इमोशनली उस पूरी कनेक्शन को लेकर, उस पूरी सिचुएशन को लेकर। एक टाइम पे ऐसा हो सकता है बहुत इमोशनल था, उस रिश्ते की तरफ कनेक्टेड था, लेकिन अभी इमोशनली डिटैचमेंट पे, इमोशनली जो कभी इस कनेक्शन इसके लिए विश थी उसको लेकर बहुत कोल्ड ब्लंट ड्राई सी एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है, बहुत कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। बहुत मतलब के
आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और ही सिनारियो चल रहा है, कोई पास चैप्टर, कोई पास साइकिल, कुछ कार्मा, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, उस चीज को लेकर एक टाइम था बहुत कनेक्टेड इन्वॉल्व इसने फील करा, उसके बाद अब एक इमोशनल डिटैचमेंट है, कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है, लाइफ क्या मैनिफेस्ट कर रही है उस चीज का इंतजार कर रहा है, और जो भी सिचुएशन है वो एक मतलब कि यहाँ पर एक क्लोज एनर्जी है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सेंस यहाँ पे क्यों इतना, मतलब कि नाइन और टेन की एनर्जी है, एक वर्ल्ड एक कंप्लीशन है, यहाँ पे एक नाइन के नाइन डिजिट पे खड़ा हुआ है और एक टेन कंप्लीट हो जाएगा जैसे वो सिचुएशन। हाँ होपलेस है उस पूरी सिचुएशन से, होपलेस है उस साइकिल से, होपलेस है क्योंकि वहां बहुत कुछ मिला नहीं, और वो ये पास कुछ पास रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको कोई खास क्लैरिटी नहीं है उस पूरी सिचुएशन को लेकर। एक टाइम था वहाँ पे ड्रीम था टेन ऑफ कप्स का, मैरिज का, किड्स का, लाइफ का, बहुत एक सोल काइंड बॉन्ड लगता था वो रिलेशनशिप, लेकिन राइट नाउ कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है, मतलब कि टीम वर्क भी करा उस रिश्ते को बनाने के लिए, हर पॉसिबल कोशिश करी, बहुत टाइम तक स्टैगनेंट रही वो सिचुएशन, क्लोज हो चुकी है, वहाँ पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट रही, इमोशनली डिटैचमेंट आ चुकी है उस पूरे रिलेशनशिप में, एक इमोशनली डिटैचमेंट है, इमोशनली अपने आप को हील कर रहा है, अनहील है ये पर्सन, इमोशनली हील कर रहा है, इमोशनली फिल कर रहा है अपने आप को, ठीक है, सरेंडर कर रहा है इस वक्त, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है जो उसके लिए सही है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और ही साइकिल चल रही है, वहाँ पे एक साइकिल क्लोज हो रही है, पर्सन उस जगह से डिटैच हो रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज्यादा है, डेथ बिल्कुल यहाँ पर एक एंडिंग हो रही है उस पूरी सिचुएशन की, उस कार्मिक साइकिल की, एक कर्मा क्लोज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, एक साइकिल क्लोज हो रही है, एक इमोशनल डिटैचमेंट भी हो गई, एक क्लोज हो रही है, जहाँ लग रहा था एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, उस सिचुएशन से बिल्कुल ही क्लियर कट क्लैरिटी, ठीक है, एक क्लैरिटी चाह रहा है, डीप डाउन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहा है उस पूरी सिचुएशन को लेकर, डीप डाउन बहुत इमोशनली स्ट्रेस आउट, इमोशनली डिस्टर्ब रहना, इमोशनली मतलब कि ओवर थिंकिंग रखना, इन डेप्थ बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डिटैच रहना, ठीक है, कोल्ड, एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है उन इमोशंस में, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है उन इमोशंस में, और एक कोल्डनेस आ चुकी है, ब्लंट एनर्जी आ चुकी है, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को लेकर कोल्ड हो चुके हैं, शायद वो सिचुएशन वहीं की वहीं स्टक हो गई है और कुछ नहीं हो रहा, वो एक क्लोजर का टाइम है उस पूरी कनेक्शन का, उस पूरी सिचुएशन का, एक क्लोज हो रही है वो पूरी साइकिल, ठीक है। टेन ऑफ रेंज की एनर्जी मतलब स्ट्रेस आउट है, स्ट्रेस चल रहा है इस पूरी सिचुएशन में, एक स्ट्रेस की सिचुएशन है ये पर्सन, एक स्ट्रेस है, उस एक टाइम था बहुत डीपेस्ट इमोशन थे, अब एक कोल्डनेस है और सिर्फ बर्डन है उस सिचुएशन का, एक क्लोजर मिल रहा है, ठीक है, दोनों को एक क्लोजर नहीं हुआ था पास्ट में, वो क्लोजर मिलने वाला है, एक कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।